रजनीकांत ने नए साल पर अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और रजनीकांत की सियासत में एंट्री बड़ा उलटफेर कर सकती है। पार्टी के बारे में इसी साल 31 दिसंबर को ऐलान किया जाएगा। करने के ऐलान के साथ रजनीकांत के फैंस का जोश हाई दिखा। चेन्नई में रजनीकांत के घर के सामने उनके फैंस बड़ी तादाद में जुटे और जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसी तरह तिरुचिरापल्ली में भी जमकर पटाखे फोड़े गए। थलाइवा कहे जाने वाले रजनीकांत के पोस्टर के साथ उनके प्रशंसक सड़कों पर उतरे और अपनी खुशी का इजहार किया। एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी गई। रजनीकांत ने ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि वो जनवरी में एक राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ करेंगे। इसके बारे में 31 दिसंबर को घोषणा की जाएगी। रजनीकांत ने 2017 में ही राजनीति में आने का संकेत दिया था। इसके बाद अटकलें लोकसभा चुनाव के वक्त भी तेज हुई, लेकिन अब अगले साल मई तक होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए रजनीकांत की सियासत में एंट्री तय मानी जा रही है। इस सिलसिले में रजनीकांत अपने संगठन रजनीक मक्कलम मंदिरम के लोगों से लगातार बैठक भी कर रहे हैं। रजनीकांत ने तमिलनाडु में नई सियासत शुरू करने का दावा किया। कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में लोगों के समर्थन के साथ ये निश्चित है कि तमिलनाडु में ईमानदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का उदय होगा। बहुत बढ़िया, चमत्कार हो रहा है। जयललिता के विरोधी रहे रजनीकांत कभी डीएमके के करीब थे, लेकिन अभी सस्पेंस है कि रजनीकांत किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। खबर है कि तमिलनाडु में ताकत जुटाने की कोशिश कर रही बीजेपी की नजरें रजनीकांत पर टिकी हैं। रजनीकांत ने भी बड़े बदलाव का दावा करते हुए लिखा, राज्य में राजनीतिक बदलाव जरूरी है, ये वक्त की मांग है। अगर ये अभी नहीं होता तो फिर कभी नहीं होगा। इस बदलाव के लिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो मेरे साथ आएं। हम मिलकर राज्य की राजनीति को बदल कर रख देंगे।